सामने के मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय परम पूजनीय संतगण, इस मंच पर विराजमान हरियाणा ही नहीं हरियाणा के प्रत्येक नागरिक की आन बान और शान, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, आज किस लिए आप आए हो यहां पे? किस लिए आए? मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आए ना, फिर स्वागत कैसा होना चाहिए? जोरदार ताड़ियों के साथ, बेहद लगातार ताड़ी बजाकर, पूरा जबरदस्त तरीके से। ये लोग भी, वो लोग भी, बहुत जोरदार तरीके से और जोरदार तरीके से। आज रामायण रचयिता जिन्होंने युगों युगों पहले एक ऐसे महाकाव्य महाग्रंथ की रचना की, भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी के इस जयंती समारोह में हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच पहुंचे हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, गरीबों की आन बान शान श्रीमान नायब सैनी जी। सभी कैबिनेट मंत्रीगण, हमारे सभी विधायकगण, पूर्व सांसद पूर्व विधायक गण और मंच पर एक से बढ़कर एक डीएससी समाज के योद्धा विराजमान हैं और इस तरफ भी डीएससी समाज के एक से एक बढ़कर योद्धा विराजमान हैं और मेरे सामने डीएससी समाज की आन बान और शान है। मित्रों, मुख्यमंत्री जी ने इसी जींद में कहा था कि आप तीसरी बार सरकार बनाने का काम करो, पहली कलम से और पहली कैबिनेट में आपका भाग्य लिखने का काम मैं करूंगा। अरे मित्रों, आपने 5 तारीख को अपना वादा पूरा किया और मुख्यमंत्री जी ने 18 तारीख को आपके बच्चों का भाग्य लिखने का काम कर दिया। आपने ये हंसता हुआ चेहरा देखा है, ये सौम्य चेहरा देखा है, ये मीठा बोलता हुआ चेहरा देखा है, परंतु दृढ़ निश्चय भूत और भविष्य से इससे बड़ा आयोजन कोई कर भी नहीं पाएगा। ये सिर्फ प्यार है पहले नायब सिंह सैनी जी का, ये प्यार है अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री का, ये जो प्यार है आपके बच्चों का, जो भाग्य लिखा गया कलम का प्यार है। मित्रों, बहुत से महानुभाव यहां मंच पर विराजमान है, बहुत लोग वक्ता बोलना चाहते थे परंतु मुख्यमंत्री जी का आदेश हम सबके लिए आदेश। मुख्यमंत्री जी को तुरंत राजस्थान जाना था, कई सांसदगण रह गए बिना बोले, हमारे सभी कैबिनेट मंत्री रह गए बिना बोले, हमारे सामाजिक और राजनीतिक के साथ साथ हमारे धार्मिक संत समाज के लोग भी रह गए। मैं सभी से क्षमा याचना करता हूं, मैं भी अपनी बात को कम करना चाहता हूं। मैं तो केवल 2 बातों में मुख्यमंत्री जी
आपके संज्ञान के बीच में एक बात लाना चाहता हूं। ये जो डीएससी समाज का भाग्य आपने 18 अक्टूबर 2024 को लिखा, ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। ये जब ज्वाइंट पंजाब था तब से हमारी लड़ाई चल रही है। 1975 के अंदर पंजाब के लोगों को तो मंजिल मिल गई, परंतु हरियाणा के लोगों को मंजिल नहीं मिली। 1975 से लेकर लगातार हमारे संतगणों ने, हमारे सामाजिक संगठनों ने, हमारे राजनीतिक लोगों ने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। यदि इस मंच से बोलूं तो सैकड़ों हजारों लोगों के नाम लेने पड़ेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं, वो स्वर्ग में होंगे, केएल सरबटा जी, वो राजकुमार सारसर जी, वो चंद्रबाल लॉर्ड जी, वो गोवर्धन दास चौहान जी, वो गुलजार कैथली जी, वो सुनेर चंद कोलिया जी, वो सागर चंद मंडल जी, वो बिशन दास टाक जी, बनारसी दास आईएफ जी, एमएल सारवान जी, संतोष सारवान जी, राजकुमार वाल्मीकि जी, पंताराम वाल्मीकि जी, अमर सिंह धानक जी, किस किस का मैं नाम लो इस मंच से। उस लड़ाई का अंजाम हमें 1994 में मिला। उस दिन भी भगवान वाल्मीकि जयंती करनाल में मनाई गई। भजन लाल जी से हमारे भाग्य लिखने का काम किया, परंतु दुर्भाग्य हमारा तब शुरू हुआ जब हमारे लोगों ने बहकावे में आके भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बना दी। एक आदमी ने अपील डाल दी हाई कोर्ट के अंदर। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जुलाई 2005 के अंदर हमारे खिलाफ निर्णय दे दिया। और निर्णय क्या दे दिया? वो निर्णय तो पंजाब के खिलाफ भी आया था, परंतु दुर्भाग्य पंजाब के अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री ने रातों रात विधानसभा बनाकर उसको एक्ट बना दिया और उन लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा कमजोर आदमी विधानसभा में कहता है कि हमने आरक्षण दिया था। हुड्डा जी ने आरक्षण नहीं दिया, हुड्डा ने जेतो हमारा आरक्षण खोसने का काम किया। उसने एक्ट नहीं बनाया, विधानसभा में नहीं बनाया, विधानसभा बुलाई भी नहीं। हमारे लोगों को बहका दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, मैं आपकी पैरवी करूंगा। अरे मित्रों, वो जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का निर्णय था वो केवल एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ था, और हुड्डा जी ने तो हमारा एजुकेशन के अंदर भी स्टे लागू कर दिया। ये बहुत लंबी लड़ाई जब शुरू हुई तो 2018 आते आते माननीय मनोहर लाल जी को मैंने ये बात समझाई, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो स्टे है ये तो केवल नौकरियों पे है, एजुकेशन में नहीं है। तब मनोहर लाल जी ने हमें एजुकेशन में आरक्षण देने का काम किया। अरे मित्र, अगस्त में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, हाई सीटिंग जज ने फैसला दे दिया। उन्होंने ये भी बात कह दी, जो मुख्यमंत्री जिस स्टेट का चाहे आरक्षण में वर्गीकरण दे सकता है। किसी की गात में जान नहीं थी। धन्यवाद नायब सिंह जी, आपने वो शेरनी का दूध पिया और आपने कह दिया कि ये पहल मैं करूंगा। और उससे बड़ा बयान मोहनलाल बड़ोली जी ने दे दिया, भाई मेरी बात सुन लो, मैं तबार कर लो मेरा। मैं मोहनलाल बड़ोली जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, भाई नायब सिंह सैनी जी से आपके आरक्षण का लाभ मैं दुआने का काम करूंगा। एक बार मोहनलाल बड़ोली जी के लिए भी जोरदार ताड़िया बजाने। मित्रों, भाई बिशंबर मंच पे बैठे हैं, कैबिनेट में ये मुद्दा आते आते रह गया, परंतु हमारे लोगों के बीच दिलों में एक बहुत बड़ी मायूसी आ गई, उदासी आ गई। परंतु नायब सिंह सैनी जी अपने जुबान के पक्के धनी और मोहनलाल बड़ोली जी ने विश्वास दे दिया। और विश्वास कहां दिया था भाई स्वदेश जी, कहां दिया था? यही जींद में। क्या कहा था? ए मेरे डीएससी समाज के लोगों, आप 5 तारीख को सरकार बना दो, पहली कलम से तारा भाग्य मैं लिख दूंगा। मित्रों, विधानसभा के अंदर हुड्डा जी कह रहे हैं ईवीएम, और मैंने कहा हुड्डा जी ईवीएम तो ठीक थी, तेरे आला जो वो लपेटा दिया ही डीएससी आला ने दिया, तेरे आली ईवीएम तो इन्ना करिया खराब। वो आज तक आप लोगों की ताकत को समझ नहीं पाए, आप लोगों की एकता को समझ नहीं पाए। हुड्डा जी तो किसी और हवा में घूम रहा था, पहली बार बेरा लग गया कि डीएससी के अंदर कोई दम है। मैं नतमस्तक हूं भाइयों, मैं नतमस्तक हूं। आपने जिसको वोट दिया
उनको भी पता लग गया और जिसको नहीं दिया उनने भी दिन में तारे दिख गए। नायब जी आपका एहसान मान रहा, पूरा मंत्रिमंडल आपका एहसान मान रहा, पूरी बीजेपी आपका एहसान मान रही, और जिनका सूत खराब हो गया वहां भी पड़े पड़े सोच रहे हैं भाई डीएससी वाला मामला तो सूत लेना पड़ेगा। आप लोग एक बार मेरे साथ हाथ खड़े करके कह दो कि नायब जी और मोदी जी 2047 तक ये कमल नहीं खिलेगा। कैसे खिलेगा, कैसे खिलेगा, कैसे खिलेगा, 47 तक खिलेगा ना, ये 47 तक खिलेगा जी। ये मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद है जो सवेरे 5 बजे उठकर नगर पालिका में जाके झाड़ू पोछा करके आती हैं, जो खेत में मजदूरी करके आती हैं, आपने उनकी आत्मा को ठंड पहुंचाने का काम किया, उनके बच्चों का भाग्य लिखने का काम किया। मित्रों पर बाद में रोड़ा पाओगे तब मेरे गला भाई सुन लो। एक मिनट, बेदी जी ने मांग नहीं दी, सुनीता दुग्गल ने मांग पत्र नहीं पढ़ा, अमरजीत ने मांग पत्र नहीं पढ़ा, अब भाई तारी तो मांग 18 तारीख ना पूरी हो ली, अगली और पूरी करा देंगे, चिंता ना करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।